दोस्तों आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ फोर्ड की गाड़ी टॉरस 2021 मॉडल। वैसे मैं पहले भी वीडियो जो है डाल चुका हूँ टॉरस 2018 19 20 सेम है, बस इसमें एक चीज़ जो है उनसे डिफरेंस है वो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये है इसकी इनसाइड लुक। स्टेयरिंग के राइट साइड में यहाँ से स्टार्ट होती है। इसका म्यूजिक सिस्टम एसी सिस्टम सेम दूसरी टॉरस की तरह है, और जो है लेफ्ट राइट मिरर सेटिंग भी सेम दी है लेफ्ट साइड में। हेडलाइट की सेटिंग लेफ्ट साइड में, लॉक अनलॉक स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड में, और स्टीयरिंग में जो है म्यूजिक सिस्टम भी दिया है। आप कंट्रोल कर सकते हो, फ़ोन रिसीव कर सकते हो, कट कर सकते हो। बाकी जो गियर भी 2019 में आया है सेम है। ये घुमाने वाला है, अभी गाड़ी पार्किंग में है और राइट साइड घुमाएंगे तो ये बैक गियर इसका लग गया है रिवर्स, और ये इसका कैमरा है। फिर राइट घुमाएंगे न्यूट्रल और फिर राइट घुमाएंगे तो डी, जिसमें ऑटोमेटिक गाड़ी आगे चलती है। वापस पार्किंग करने के लिए उल्टा घुमाना है लेफ्ट साइड। अभी न्यूट्रल रिवर्स और अभी गाड़ी पार्किंग हो गई है। ये इसकी हैंड ब्रेक है, नीचे से ऊपर दबाएंगे तो काम करना शुरू हो गई, और निकालने के लिए ऊपर से नीचे दबाना है, रिमूव हो जाएगी। इसमें दूसरी गाड़ी से डिफरेंस ये है कि आपने कहीं गाड़ी स्टार्ट की है, गाड़ी में कोई बैठा है तो आप मार्केट के अंदर चले गए, किसी दुकान में चले गए, या आपने घर के बाहर गाड़ी स्टार्ट की है कि गाड़ी में एसी चालू करेंगे थोड़ी गाड़ी कूल हो जाएगी, तो आप गलती से जो इसका रिमोट है आप रूम में भूल गए, घर पे भूल गए, या मार्केट में कहीं भूल गए, या कहीं गिर गया। अगर गाड़ी स्टार्ट है तो जो है आप गाड़ी में आके बैठोगे तो आपने जो है, ये गाड़ी पार्किंग है, आपने जो है गाड़ी चलाने के लिए गियर जो है घुमाना है, ये नहीं घूमेगा। अभी मेरे पास चाबी है, घूम रहा है। आप गाड़ी पार्किंग में खड़ी है, गाड़ी स्टार्ट है, आप देखेंगे यार गाड़ी स्टार्ट है, गियर क्यों नहीं लग रहा। आप इसको ज़्यादा घुमाएंगे तो ये फ्री हो सकता है, टूट भी सकता है, गियर नहीं लगेगा क्योंकि ये बहुत जो है आप इसको पकड़ेंगे तो आराम से घुमाएंगे तुरंत गियर लग जाता है। तो जब आप रिमोट आपके पास नहीं है, आप इसको घुमाएंगे ज़्यादा जोर लगाएंगे, ये फ्री भी हो सकता है तो फिर ये काम नहीं करेगा। इस गाड़ी में अगर रिमोट नहीं है, आप रिमोट रूम पे भूल चुके हो, मार्केट में भूल चुके हो, तो गाड़ी का जो गियर नहीं लगेगा। ये आप देख सकते हैं, ये इसका रिमोट है। और ध्यान रखें, ये जो न्यू आई है 2021 मॉडल उसकी बात कर रहा हूँ मैं। 2020 में भी सेम है गियर सिस्टम, पूरी गाड़ी जो इनसाइड लुक सेम है, पर उसमें अगर आपके पास रिमोट है तो गाड़ी चलेगी, नहीं है तो तब भी चलेगी। लेकिन जो ये न्यू मॉडल आया है इसमें यही प्रॉब्लम है, मेरे साथ हो चुका है। मैं रिमोट भूल गया दूसरी गाड़ी में, मेरी गाड़ी ऑलरेडी स्टार्ट थी तो जब मैंने गियर लगाने की कोशिश की गियर नहीं लगा, तो तब मैंने ढूंढ के इसकी चाबी लाई और फिर गाड़ी में, गाड़ी तो स्टार्ट थी, जब मैंने गियर लगाया तो गियर लग गया। ध्यान रखें, ये रिमोट अगर आप रूम पे भूल चुके हो तो गाड़ी का गियर लगाएंगे, गाड़ी जो है गियर नहीं लगेगा, गाड़ी नहीं चलेगी विदाउट रिमोट के। ओके दोस्तों, ध्यान रखें, जब भी आप ये गियर ना लगे, और भी ऐसी गाड़ियाँ हैं, अगर आप गियर लगा रहे हैं गाड़ी का गियर नहीं लग रहा है तो समझ जाएं सेम प्रॉब्लम हो सकती है, रिमोट आपके पास नहीं है या कस्टमर के पास छूट गया है। जैसे वॉलेट पार्किंग वाले हैं, वो कस्टमर से जब गाड़ी लेते हैं तो कभी कभी रिमोट, कस्टमर बोलता है गाड़ी में रिमोट है, तो गाड़ी में रिमोट नहीं होता है, वो उनके जेब में रहता है, भूल जाते हैं, तो आप गियर लगाएंगे गाड़ी का गियर नहीं लगेगा। तो आप इसको ज़बरदस्ती ना करें, ज़्यादा घुमाएं ना ताकि नुकसान ना हो, और जो है आप वापस गाड़ी को उधर ही रखें और कस्टमर के पास जाएँ, या आपका कोई फ्रेंड उसके पास जाएँ, बोलें गाड़ी का जो है गियर प्रॉब्लम है, तो उससे रिमोट लें और आके गाड़ी को जो है पार्किंग करें। ये ध्यान रखें, ये इसका रिमोट फोर्ड 2021 मॉडल है टॉरस, फोर्ड टॉरस। तो दोस्तों से गुजारिश है मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मैं अक्सर जो है ऑटोमेटिक गाड़ियाँ जितनी भी हैं उनकी वीडियो जो है बना के आपको दिखाऊंगा, गाड़ी स्टार्ट कैसे होती है, जो भी चीज़ न्यू आती है तो मैं आपको वो दिखाऊंगा। ओके दोस्तों।